गाइस कैसे आप सब, आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस हम आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, असोला भट्टी और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब यहाँ पे अंदर बहुत सारे लाइफ जितने भी एनिमल्स होते हैं सब आपको देखने को मिल जाते हैं। और उसके अंदर एक फेमस बहुत ज़्यादा नीली झील है। आपका यहाँ का टिकट पड़ जाता है मात्र 10 रुपये, और अगर आपके साथ कार एक्स्ट्रा लाते हो तो कार के 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं और पर पर्सन 10 रुपये। तो अगर मैं बताऊँ, आप आते हो अपने फैमिली के साथ, मैं पूरा एंजॉय करके आ चुका हूँ, उसके बाद इंट्रो शूट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये देखने के लिए तो ऐसे मस्त है काफ़ी, मतलब अंदर हैं अच्छे खासे पेट वेट हैं, वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं, ज़्यादा बंदर हो गए और खरगोश हो गए, मोर हो गए, ये सब देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसके अंदर आपको चल के दिखाते हैं कि बाकी का क्या है। और आपका ये पड़ जाता है कहाँ पे भाई? आपका ये पड़ जाता है तुगलकाबाद में पड़ता है, दिल्ली 11100 शूटिंग रेंज रोड। तो अब हम चलते हैं अंदर और अंदर का आपको व्यू दिखाते हैं और यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट। तो चलिए, फिलहाल हम लोग अभी अंदर एंटर कर चुके हैं अपनी कार से और बस अभी जस्ट एंट्री हुई है। और पांडा ये भाई, ये वो हो जाएगी, है गरम हो जाएगी। हाँ भाई खोलो यार, गरम करने के लिए ही तो। चीयर्स गाइस, चीयर्स। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी यहाँ से कितना अंदर है भाई? इसी के मौज लो, इसी की मौज लेनी होती तो भाई यही असला भट्टी है। गाइस हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे चल के आ चुके हैं, तो हमें दो रास्ते मिले हैं जाने के और हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। देखो, एक ये जा रहा है रास्ता, ये थोड़ा यहाँ बैरिकेड लग रखा है, और एक ये जा रहा सामने। तो अभी एक गाइड वाला गया था, उसने कहा था सीधे चले जाओ सीधे, तो अब सीधे जाने का तो मन कर नहीं रहा है। सीधा कोई काम होता नहीं भाई, तो चलते हैं इधर की साइड, है ना, आगे साइड ही चलते हैं। हाँ वेट, इधर रास्ता तो दे रखा है यार, साइकिल बना के रास्ता दे रखा है इधर, साइकिल वालों को दे रखा तो गाड़ी वाली तो आराम से चली जाएंगे। चल के देखते हैं। हाँ सर भाई, इधर ही ले लो ना सर भाई। हाँ भाई ले लो भाई, इधर ही ले लो यार। गार्ड का कुछ लग रहा, गार्ड का है, गार्ड तो नहीं लग रहा भाई, कुछ गार्ड वार्ड हो रही होता है यार इधर। ओ भाई, गार्ड वार्ड कोई तो बुलाना चाहिए यहाँ पे भाई यार, ये तो कुछ ज्यादा ही जहरीली जगह लग रही है सर भाई, लग रहा है कुछ भाई। मेरे को लेना सही रहेगा भाई, भाई मेरे को लग रहा है इधर चीता वीता आ जाएंगे, चीता भी यूपी में तो मजे हैं। तो भाई देखो, अब कार से एंट्री इसलिए होती है, मैं बताऊं आपको पूरा इसका ब्रीफ में। अगर यहाँ पे कार से एंट्री इसलिए दी जाती है, कोई मतलब जंगली जानवर होता है आप पे, मतलब अटैक ना करे। अगर आप बाइक से आते हो तो आपके पास कोई बचने का साधन होता नहीं है, आप उसे कितनी तेज भगा लोगे? चीता तो आपसे भी तेज, गाड़ी यार चीता हर चीज से तेज भागता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कार से वाली थिंकिंग। हाँ तो इसलिए कार से दे रखा है, अगर आपके पास बाइक है तो भगा देंगे आपको, कि जाओ बाइक से एंट्री नहीं है इधर भाई, कोई रहता कोई कहना नहीं। हाँ यार इधर है तो यार बंद नहीं है। अरे ऐसा मत बोलो यार, यहाँ अंकल जी पार्टी वार्टी चला रहे हैं, मेरे को बियर वियर की बोतल दिख रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे मजे नहीं आने वाले हमें इस रास्ते पे भाई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मो भाई, चले भाई ले ले सीधे, ले लो भाई सीधे तो दे देंगे। अब भाई उन्होंने हमें, अंकल ने तो बोला था कि सीधे ले लो, हम सीधे ही तो आ रहे हैं भाई, सीधे जा रहे हैं। देखो सीधे जा रहे हैं ना, अंकल ने वहाँ से उधर भी बताया था कि वहाँ से उधर वाली रास्ता जा रहे हैं, तुम लोगों ने जो गलत, क्या फर्क पड़ता है, पहले हमने गलत ले लिया भाई जी, मतलब ये पूरा ही जंगल है एक हिसाब से, बट आपको इसमें एक हिसाब कौन सा होता है भाई, पूरा ही जंगल है, हिसाब कौन सा होता है, पूरा ही जंगल है। क्या लग रहा है? पसीने आ गए भाई, पसीने आ गए, फट रही है, कोई बात नहीं भाई, फेविक किक लेके आया हूँ भाई मैं। सुनो सो गाइज, अभी आगे जाने में थोड़ा रिस्क लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वियर्ड सी आवाज आ रही थी मोर ओर की, और भी वियर्ड की आवाज थोड़ी होती है भाई यार, और भी चीते की भी आवाज आ रही थी भाई, चीते की आवाज तो नहीं आता, बट सौरभ भाई कह रहे हैं यहाँ से पीछे ले लो, क्यों गाइज? क्योंकि बढ़िया गाड़ी लेने का शौक नहीं रखना चाहिए अब हमें। हाँ अच्छा, पहले लेते थे मतलब आप? पहले शौक था, अब ये शौक हमें छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ से हम आगे जाके थोड़ा सा मोड़ लेते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने सीधा बताया तो सीधे जाना चाहिए ना भाई, वरना फिर ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है ना भाई। तो अब हम आगे से जाके थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा ही मोड़ोगे भाई, जाने का मन तो है बट आगे, बट छोड़ो यार बात मान लेनी चाहिए बड़ों की। ये देख लो इधर की साइड, जंगल एक्सप्लोर करना है भाई, हम एक्सप्लोर ना हो जाए चीते के द्वारा। उसका भाग गया। इधर देख सकते हैं पूरा पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है, वो देखो अरे मंदिर, जय श्री राम, अरे मंदिर है गाइस, कमेंट में जय श्री राम लिख देना, सब लिखना भाई साहब। हाँ मंदिर दिख तो रहा है मेरे को भी, हनुमान जी की मूर्ति है या फिर शिव जी की मूर्ति? शिव जी की। गाइस तो अभी यहाँ पे पहाड़, हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी गाइस अंदर आ चुके हैं हम अंदर, अभी इधर से हमें पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, तो और थोड़ा आगे चलना है हमें भाई।
कितना आगे जाना है और थोड़ा सा तो बताओ यार, जब हमें झील वील मिलेगी। 12 किलोमीटर और है भाई, 11-12 किलोमीटर और है भाई वहाँ पे। आते हैं अभी, हमें 11-12 किलोमीटर और अंदर जाना है, जो जहाँ पे हमें जाके नीली झील मिलेगी 16 भट्टी के अंदर। और अब गाइस थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सुनसान टाइप, और आप ऊपर देख सकते हो कि हमारी भी अंदर से हवा दे रही है भाई। खरगोश अभी जाके हमें एक थोड़ा सा खरगोश दिखा था भाई, देख सकते हैं थोड़ा सा मंदिर। अकेले अरे मैं भी हूँ, दे थोड़ा। अरे यार तुम्हारा मुंह देखते तो पीछे चला गया वो अकेले। ओ भाई बंदे बुलाने गए। जा रहा, अच्छा गैंग नहीं बुला रहा। अपने तरबूज छोड़ गया यार, तुमने लगा दे। ये देखो, अरे भाई चल अकेले मत, खा ले तू भी। इधर भी खा रहे हैं, इधर देखो। अरे खा ले। अभी यहाँ से कितना समथिंग 2 किलोमीटर यहाँ से और नीली झील है। ये देखो आप यहाँ पे मोर देख सकते हो। अरे मोर भी यहाँ। नहीं भाई मोरनी है। बकसूरत होती है ना, यहाँ मेकअप है ना, मोरनी तो है, मेकअप वगैरह नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए। अभी आगे 1 किलोमीटर और चलते हैं, देन उसके बाद नीली झील है, वहाँ पे चल के उतर के यहाँ पे भूरा तीतर। अरे 2 मिनट गाइस, शांत हो जाओ। सो यहाँ देख सकते हो भूरा तीतर। जय श्री राम। हम लोग अभी आ चुके हैं फिलहाल नीली झील जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और भाई 15 किलोमीटर था भाई वहाँ से, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, और फिलहाल इधर का बाहर का, इधर हमारी कार खड़ी है, इधर से देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और रास्ता नहीं है भाई, एक्सप्लोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी आपको फुल ये 16 भट्टी ना पूरा एक्सप्लोर मिलेगा आज। हाँ भाई क्या लगता है, कर लेंगे पूरा एक्सप्लोर आज में भाई? पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। फुल गमछा गैंग। ओ भाई बिहारी हूँ, बिहारी भाई, मैं भी बिहारी हूँ। और हिरन भाई 12 सिंगा यही देखने के लिए तो पैसे दिए थे, बस यही देखने के लिए तो पैसे दिए थे। ओ भाई यार बड़ा प्यारा लग रहा है यार गाइस, यहाँ से व्यू तो बड़ा प्यारा है, पर देखते हैं भाई, माँ कसम दिल आ गया ऐसा व्यू देख के। देख ले पर झील कितनी बड़ी है भाई माँ कसम, यहाँ पे सब आके तारीफ करे जा रहे हैं, सब यहाँ पे रिकॉर्ड करने लग गए हैं। अच्छी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तभी हम लोग आ चुके हैं गाइस नीली झील पे। और ये वहाँ पे बैठने का थोड़ा देर रखा था तो वहीं पे बैठे हैं, क्योंकि इसको छोड़ के छांव तो कहीं है ही नहीं। और अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ नीली झील, आओ। अफलिया तेरा पूरा घर जाएगा इसमें, देखो एक बार आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है एक बार आप नहीं, एक बार आप खुद देखो। हाँ नहीं गाइस, एक बार खुद देखो कितना प्यारा लग रहा है, मतलब हो सकता है इससे बेटर कोई चीज। हाँ भाई हो सकती है ना, हम तो भैया फैन हो लिया इस जगह के। हाँ भाई फैन तो हो गए है, कुछ तो जगह है भाई, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे चलते हैं। वो देखो अंकल, और भाई अंकल कहाँ जा रहे हैं, वहाँ से रास्ता है भाई, वो नहीं है वो स्टाफ वगैरह का है। तो हम स्टाफ चला लेंगे अपना। नहीं यार वहाँ क्या दिख नहीं रहा मेरे को, वहाँ से वैसे भी तो आ सकते हैं पीछे से शायद कोई रास्ता, पैदल रास्ता भाई पूरे में चलना। लग रही थी प्यास, हमने बोला भाई पानी का जुगाड़ है यहाँ पे, तो भाई ने बोला कि जो झील दिख रही है उसी में से पानी आता है 20 फुट नीचे से, तो एक बार पानी ट्राई करते हैं हम। ये पानी भाई तेरा फिल्टर भी फेल है, ये जगह पूरा मस्त यार, एनर्जी ड्रिंक बचा लेते हैं थोड़े, बस बंद कर लो। जब हम झील की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ से और नीचे, भाई ने बोला अपने रिस्क पे है, और भाई एक और व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई भाई की हमारी। पानी हम सब ने ले लिया, पानी भर लिया हमने, पानी भर लिया कि रास्ते में कहीं प्यास लगे तो पी लेंगे, वरना फिर हमें। ओ भाई इतना खतरनाक ब्रिज भाई, आराम से भाई।
आराम से भाई, बस मिशन पास्ट। ओहो भाई साहब, हर जगह सोलर। सौरभ भाई, जगह तो है ना भाई, पैसा वसूल 500 रुपए वसूल। यार आएगा नहीं कोई और वसूल, किसी ने 500 रुपए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे, थोड़ा रिस्क है बट थोड़ा आओ चलते हैं। सौरभ भाई ठीक है ना? ले रहा हूँ, रुको भाई, थोड़ा डर लग रहा है यार, एडवेंचरस हो गया भाई ये तो। भाई यार दोस्तों के साथ ट्रिप पे आने में मजा आ जाएगा अपना। जय श्री राम। ओ भाई खैर सोचो यार, अभी इन लोगों ने सीढ़ी हटा दी यहाँ से, फिर हम आएंगे कैसे ऊपर? जन्नत में आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। और ये एक बार व्यू देखो यहाँ से भाई, सचिन भाई नहीं यहाँ फिशेस पा लेने की, भी लेते हुए फिश। हाँ भाई आ रही है मछली, दिखाना जरा। आ रही है भाई, आ रही है, भगा रहे हो तुम तो। देखो आ गई, आ गई। एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिशेस पर कैसे लेते हैं, एक बार देख लो आप। कसम से भाई दिल्ली में मत रखो भाई, जो मना कर रहे तो एक बार देख लो भाई। अब तो झील के बिल्कुल नीचे आ गए, अब तो भाई अब नहाएंगे भाई यहाँ पे पूरा। हमने कंफर्म कर लिया कि यहाँ नहाना ही नहाना, मजे लेने हैं पूरे भाई। चले हाँ, अरे और क्या भाई, वहीं नहाएंगे चलो। सो गाइस अभी तो फिलहाल अभी हम लोग इस झरने से नहा के निकल चुके हैं, मतलब वो वहाँ पे बनाए नहीं हमने, यहाँ पे सेफ्टी से अपना फ़ोन रख दिया था इस जगह पे और अपना मस्त नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद नहाने के बाद अब यहाँ से क्लाइंब करना जहाँ से उतरे थे गाइस, बहुत जो कि टफ है। और ये बताते हैं कि इसमें हम तो भाई इसमें हमें गलती से भी पैर नहीं रखा, क्योंकि ये बता रहे थे कि बिल्कुल किनारे से ही बिल्कुल गहरा है ये, और यहाँ पे कुछ लोग रखे हैं। और हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमने भाई नीली झील कर ली एक्सप्लोर, और यहाँ से बिल्कुल भाई मेरे को तो डर लग रहा है यार, यहाँ से चढ़ रहे हैं ये लोग, ब्लॉग बना रहे हैं भाई हमारे। अगर एक बार अपनी फैमिली के साथ आओ ना तो एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करना भाई, बहुत मस्त जगह है ये कसम से। और बाकी आप लोग खुद देख लो भाई, हम यहाँ से चढ़ाई करते हैं ऊपर, अब चलते हैं आओ भाई। डर तो लग रहा थोड़ा बहुत भाई, भाई भाई भाई, अरे भाई यार छोड़ दो। जय श्री राम। तू गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बीहड़ ग्रिल के साथ हम लोग बने हुए हैं, और हम आए थे असोला भट्टी में। असोला भट्टी में हमने क्या एक्सप्लोर किया जैसे कि आप सब देख सकते हैं, असोला भट्टी में हमने एक्सप्लोर किया कि आपको यहाँ पे जो चीज़ बताई गई थी कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे एनिमल्स दिखेंगे या फिर वाइल्ड लाइफ जितने भी जंतु जीव जंतु सब दिखेंगे, लेकिन हमें देखने को क्या मिला उस नाम पे? गाय, बंदर और एक खरगोश दिखा था स्टार्टिंग में, और फोटोज और एक कुत्ता भी दिखा था। हाँ, अरे कुत्ता भी दिखा था, अरे सांसा। उसके बाद हमने यहाँ पे आया, थोड़ा एक्सप्लोर किया हमने नीली झील, जो जिसे कह रहे थे लोग नीली झील, आपने देखी आपको नीली झील, तो हमने वहाँ पे गए, हमने थोड़ा सा देखा कि क्या सिस्टम वहाँ का, थोड़ा ऊपर से देखा, देन हमने सोचा नीचे चल के एक्सप्लोर करते थोड़ा सा। देन हमें वहाँ पे झरना दिख गया एक बहुत बड़ा सा, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से तीन लोग नहा ऐसे थे, फुल मजे लेते थे ऐसे ऐसे अपना पोज मार के नहा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपना ऐसे चलते हैं हमें नहाने, तो फिर हम भी सोचा नहाने का प्लान किया, फिर हमने कपड़े उतारे अपने और चले गए नहाने। देन नहाने के बाद से मैं आया हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते कैसे मैं फ्रेश सा और रखा हूँ, बिल्कुल मूड एकदम चंगा और रखा है। तो असोला भट्टी हमने ये एक्सप्लोर किया, और कुछ तो था नहीं एक्सप्लोर करने लायक। तो अब आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, आज का व्लॉग यहीं होता है ख़त्म, और इसके बाद हम जाते हैं थोड़ा देखते हैं खाने पीने का कुछ जुगाड़ मिलता है तो, और अब चलते हैं, बाय।